हेलो गाइस, आज हम जानेंगे 11वीं राजनीति विज्ञान की समय सारणी अध्यापन 2024-25 की समय सारणी जो टीचर्स के लिए है, यानी कि टीचर को किस माह में कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। अगर ये बात टीचर और स्टूडेंट को क्लियर हो जाती है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी यह देख लेता है कहीं हम कोर्स में पीछे तो नहीं है, यानी उसका कोर्स बराबर चल रहा या नहीं चल रहा है। तो देखते हैं 11वीं राजनीति विज्ञान में आपको पता है कि दो बुक्स हैं, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार और एक राजनीतिक सिद्धांत, दो बुक से। तो सबसे पहले हम जानते हैं जून माह की, जून माह में आपको संविधान क्यों और कैसे टीचर्स को टॉपिक पढ़ाना है। इसके बाद ये जो फर्स्ट वाली बुक्स का है, और सेकंड वाली बुक्स की अगर बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, दो टॉपिक जून माह में टीचर्स को स्टूडेंट को कंप्लीट कराना है। इसके बाद एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिए, महीने का जो लास्ट डे होता है उसमें आपको टेस्ट लेना होता है। क्या होता है? टेस्ट लेना होता है, यानी कि उससे ये पता लग जाती है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है। अगर उसमें सुधार की अगर जरूरत होती है कि स्टूडेंट सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, तो टीचर्स अपना अगले माह में अपना सिखाने का तरीका चेंज कर लेता है। ओके गाइस, तो इसके बाद जुलाई में की अगर बात करें तो जुलाई में भी आपको दो टॉपिक पढ़ाना है टीचर्स को, चुनाव और प्रतिनिधि जो फर्स्ट वाली बुक का है, और सेकंड वाली बुक का जो है स्वतंत्रता। इसके बाद अगस्त की अगर बात करें तो अगस्त में आपके चार टॉपिक हैं और एक गतिविधि है, प्रायोजना और ग्रुप डिस्कशन। ये कार्य आपको कौन से माह में करना है? अगस्त माह में। तो हम बात करते हैं अगस्त, नंबर वन विधायिका और कार्यपालिका, ये आपके फर्स्ट वाली बुक्स के टॉपिक हैं, और समानता और सामाजिक न्याय ये सेकंड वाली बुक्स के टॉपिक हैं। कुल मिलाकर चार टॉपिक आपको अगस्त में कंप्लीट करना है टीचर्स को। इसके बाद सेप्टेंबर माह की अगर बात करें तो न्यायपालिका और अधिकार, यानी फर्स्ट वाली बुक से न्यायपालिका है, सेकंड वाली बुक से अधिकार है, और इसके बाद आपको रिवीजन कराना है। दूसरी बात सितंबर में ये बात है कि यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा होना है 18 सितंबर से लगाकर 26 सितंबर के बीच। ओके गाइस, इसके बाद अगर बात करते हैं अपन अक्टूबर माह में, तो अक्टूबर माह में केवल दो टॉपिक पढ़ना है, नंबर एक फर्स्ट बुक से संवाद, सेकंड बुक से अधिकार पढ़ना है। इसके बाद नवंबर माह की अगर बात करें तो यहां पर भी आपको केवल दो ही टॉपिक कंप्लीट करना है, नंबर एक बुक से स्थानीय सरकार, नंबर दो बुक से नागरिकता। इसके बाद अगर बात करते हैं अपन दिसंबर माह की, तो दिसंबर माह में केवल एक टॉपिक कंप्लीट कराना है जिसका नाम है राष्ट्रवाद, जो आपका फर्स्ट वाले बुक से है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसमें रिवीजन भी कराना है। रिवीजन क्यों कराना है? रिवीजन इसलिए कराना है क्योंकि 9 से 17 दिसंबर के बीच में आपका अर्धवार्षिक परीक्षा रहेगा 2024-25 में। इसके बाद जनवरी माह की अगर बात करें तो जनवरी माह में केवल एक ही टॉपिक अपन को कंप्लीट करना है, धर्मनिरपेक्षता, जो आपका सेकंड वाली बुक्स का है, और रिवीजन यानी कि जितने भी टॉपिक अपन ने पढ़ाए गए हैं वो सारे टॉपिक टीचर्स को रिवीजन कराना होता है। इसके बाद अगर फरवरी की अगर बात करें तो यहां फरवरी में फिर आपका दोबारा रिवीजन, यानी कि जो टॉपिक अपन ने शुरू से पढ़ाए हैं वो सब टॉपिक वापस टीचर्स को पूरा फरवरी माह में शॉर्ट, यानी कि एक तरह शॉर्ट विधि द्वारा यहां आपको रिवीजन कराना है। इसके बाद अगर मार्च की अगर बात करें तो 26 मार्च से लगाकर 16 अप्रैल के बीच में आपका वार्षिक परीक्षा होने वाला है। ओके गाइस, तो ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो टीचर्स और स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।